No, me didn't. Can I go? Well, that's it. मैं अभी आ रहा हूँ एक फ्रेंड के साथ। अभी मैं जाऊँगा राइट से। हम दोनों जा रहा हूँ बौरहुला कुछ कामों की वजह से। सो अभी मैं हूँ मिकीपट्टी, मिकीपट्टी कोर्सिया। तो यहाँ से रोड तो अच्छा लग रहा है, देखिए रोड कितना प्यारा है। और कितना दूर तक ये रोड अच्छा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से रोड अच्छा है। अभी लोग कॉलेज आ रहे हैं, अभी मुझे लगता है एग्ज़ाम है अभी कॉलेज में इन लोगों को। ये शायद बाज़ार ऐसा लग रहा है। हाँ, आज यहाँ पे बाज़ार बैठता है, आज शनिवार है ना, या फिर बाज़ार है आज मार्केट। अभी मैं हूँ टोरानी में, और आगे कितना दूर तक टोरानी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये टोरानी ही बोलते हैं। डाक देखिए कहाँ पर रोड पे घूम रहा है। यहाँ पे कुछ नाटक हो रहा है ऐसा। तो हम यहाँ से जाता हूँ, कुछ ऐसा ना प्रोग्राम हुआ है। देखिए ये प्यारा है, हमको थोड़ी दूर हमको ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। तो एक देखिए पुल मिल गया है, ये कैसा पुल देखिए, वाओ बहुत पुराना पुल है। देखिए कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है ना, अब ये बनाने के लिए हो गया है। तो अभी हम नगाबाद में हूँ, अभी जाऊँगा राइट से। तो ये हाँ ये नगाबाद होगा शायद। हाँ, अभी मुझे मालूम है। तो ये मैं अभी जो जहाँ रोड से जा रहा हूँ यहाँ पे मैंने आया हूँ। सो अभी मैं हूँ सैनीजान में। ये कितना प्यारी जगह है, सभी का मतलब अपनी खुद का ज़मीन में तामूल का पेड़ है। अभी ज़्यादा स्पीड नहीं, 57 ऐसा ही जा रहा हूँ। ये कुत्ता को क्या हुआ है, वाह कितना प्यारी लड़की है। सो अभी मेरा दोस्त का ससुर का घर में आ गया हूँ। वाह देखिए अभी एक पुल में आ चुका हूँ, बहुत बहुत ऊँचा वाला ये पुल है। अभी बड़ा जान ऐसा कुछ जगह का नाम है, हम वहाँ पे जा रहा हूँ। तो आगे एक भाई जा रहा है, तो यहाँ का है लोकल, तो वो हमको रोड दिखा के जा रहा है। कौन सा जगह है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उनका पीछे पीछे जा रहा हूँ। कॉलेज से आ रहा है, कितना मुश्किल है उनको, हमने वो क्रॉसिंग किया हूँ, नहीं तो लड़की की साइकिल में हमको लग जाता हमारा हैंडल बाइक का। वाह बैडमिंटन खेला है लोगों ने, देखिए गेट की ऊपर से। अभी मैं फिलहाल हूँ बौरहुला बाखोस्ती ऐसा बोलते हैं इन जगह की नाम। देखिए कितना बड़ा केला का फूल है, ये पहाड़ से लेके आया होगा शायद, देखिए कितना बड़ा है केला का फूल। तो अभी मैं हूँ बलिजन सरियाली में। तो हमारा जो आगे आगे भाई आया था ना, वहाँ पे कुछ दुकान से कुछ ले रहा है वहाँ पीछे में। तो थोड़ा देर रुक जाता हूँ यहाँ पे। तो सभी तो गांव जैसा ही है, सभी कुछ ऐसा तो नहीं है कि हाँ मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ये साई बागान देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे साई बागान है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। हमारा गांव में साई बागान है ना, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। फिर से हमको राइज में जाना पड़ेगा। ये गाभोरू भूसकुआ पथ है, हम आ गया हूँ। तो हम
मेरा दोस्त के साथ आया था, अभी यहाँ पे कुछ काम था, मतलब आप लोगों को बता देता हूँ क्या काम था। तो यहाँ पे एक आदमी गुजर गया था, इसलिए हम यहाँ पे आया था। इनका रिलेटिव वाला है मेरा दोस्त का। यहाँ पे रोड थोड़ा जंगल टाइप का है। हाँ, एक बार मैंने बहुत दूर से नेटवर्क करके आया हूँ, यहाँ पे पूरा जंगल टाइप का ऐसा रोड है, लेकिन बुरा नहीं है। पूरा रोड पे मतलब ये सन नहीं गिरता है ज़्यादातर, ये छाया ही होता है। अभी हम बेकाजन उच्च माध्यमिक विद्यालय आगे की रोड से जा रहा हूँ। बेकाजन ही है ये जगह, बेकाजन है। वाह, बहुत ऊँचा वाला पुल है यार। यहाँ पे सोलर सिस्टम है। तो हम अभी जा रहा हूँ पहाड़। हमको देखना है पहाड़ का थोड़ा सा नज़ारा। ये रहिए पहाड़ का लोक। तो यहाँ पे खाई देखिए, अभी गिरूंगा तो मरूंगा। ऊपर देखिए, वाह अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा है, रहिए वाह। यहाँ पे साई बागान है यार, सब लोग देखिए यहाँ पे साई बागान है। ये माटी तो बालुई माटी है, ये तो हमारा जैसा लाल माटी नहीं है और शिपशिपा वाला, ये पूरा बालुई माटी है। वो मुर्गिया कहाँ घूम रहा है, मरेगा साला। तो मेरे सामने आप लोग देखिए पूरा पहाड़ किस तरीके का लग रहा है। वाह, खुद को विश्वास नहीं हो रहा है, कितना प्यारा है। तो एक नदिया है, तो मिल गए हैं, नदी को हमको पार करना पड़ेगा। सब लोग देखिए कितना प्यारा है लोकेशन, वाओ कैसा लुक। तो तामुल का पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम सोच रहा हूँ कि आगे जाऊँ, लेकिन जा नहीं सकता है, यहाँ पे पूरा रोड ख़राब है। यहाँ तक रोड ख़राब है, ऊपर तो ठीक है। तो भाई लोग अभी कुछ लेके आ रहा है। वाओ, पपीता लगा हुआ है ऊपर में, देखिए यहाँ लोग पपीता लगा हुआ है, केला है। ये नदिया देखिए, अभी हम ये रोड नहीं है, ये नदिया है। और बारिश जब भी होता है पूरा तूफान सा यहाँ पे पानी आता है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जा नहीं सकता है, ऐसा है। तो अभी बाइक को हम नहलाएंगे थोड़ा सा। वाओ अच्छा, नहीं वो देखिए मामी, अभी हम नदी में जा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग, ये आगे में जा रहा है ना, ये जो हेलमेट लगा के जा रहा है, ये लोकल है, यहाँ का है। और ये तो मेरा भाई है, तो मेरा साथ आया है, तो मैं इसके साथ आया हूँ। तो हाय बोलो एक बार, हाय। खुद को मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा, क्या बताऊँ। पूरा देखिए पूरा जंगल टाइप का है यहाँ पे, थोड़ा सा डर भी लग रहा है हमको, लेकिन दो भाई हैं ना साथ, अभी डर नहीं लग रहा है। तो देखिए अभी नदिया है। सो देखिए ये रोड है ना, हम यहाँ से बाइक को लेके जा सकता हूँ, लेकिन हमारा जो साथ भाई आया है ना, वो जाने के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए हम नहीं जाऊँगा। तो ये भाई ही जानता है रोड कहाँ पर जाता है, कहाँ 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 पर। तो आप लोग को मैं पहले बोला था ना, वहाँ पे रोड है, लेकिन वो ख़राब था, जो बड़ा वाला गाड़ी वहाँ पे जाता था, इसलिए वो पूरा रोड ख़राब हो गया है। तो ऊपर तो ठीक था, लेकिन वहाँ पे नदिया था ना, इसलिए। तो देखिए ये नागा का लोगों का घर है। तो फिर से हम मेरा दोस्त का ससुर का घर में जाएंगे, वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, तो फिर जाऊँगा घर में। आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ अभी, देखिए
कुछ ऐसा कलर है, दो नदी एक नदी में मिल रहा है। तो देखिए इनका पानी का कलर आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए पानी का कलर आप लोग देखिए कितना रेतीली वाला, देखिए रेत मिट्टी वाला। तो यहाँ के पास और एक नदिया है, देखिए यहाँ से आता है ये साफ पानी वाला। तो अभी दोनों यहाँ पे दुइनोंग मुख मिल गया है। देखिए तो भाई लोग बोले कि ये दुइनोंग मुख ऐसा बोल रहे, दो नदी एक हो रहा है ऐसा। और क्या है कि जब बारिश होता है ना तब तो आप लोग को यहाँ पे आना नहीं चाहिए। मतलब ये लोकल लोगों को मालूम है ये नदी कितना खतरनाक है, पूरा तूफान आता है पहाड़ से, मतलब ये केला जो भी हो पेड़ ऐसा पूरा उसको किसी को भी बहा के लेके जा सकता है, ऐसा नदी है यहाँ। बारिश होता तो बहुत तेज मतलब पानी आता है यहाँ पे। मुझे तो बहुत आगे तक जाने के लिए मन है, लेकिन फिर एक दिन आऊँगा आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊँगा। हम बहुत दूर दूर जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को ऐसा ही वीडियो मिलते रहेगा, थोड़ा थोड़ा मोटर ब्लॉगिंग, थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्लॉगिंग। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोग को अच्छा अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूँगा। हाँ मुझे नया हूँ ना इसमें, इसलिए मैं अच्छा अच्छा कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ये पेड़ के ऊपर में एक घर है, हाथ से बनाया हुआ घर है। तो मैं अभी ऊपर उठूँगा, तो आप लोग देखिए मैं जूता पहन के उठूँगा अभी। वाह बहुत फिसलन है भाई, वाह। तो मोबाइल दो, तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ। तो सो देखिए पेड़ के ऊपर में एक तंबू जैसा घर है। आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा पहाड़ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए वाह कितना प्यारा है ना, ये आलू का खेत है। देखिए आलू है यहाँ पे और केरेला है, बहुत सारा खेत है यहाँ पे। तो पहाड़ देखिए यहाँ पे, वाह पहाड़ ही पहाड़, जितना दूर तक आपका नज़र जाता है इतना दूर तक पहाड़ ही है। तो आप लोगों को एक कुआं दिखाता हूँ, यहाँ का कुआं है बहुत गहरा है। देखिए मोबाइल गिरेगा तो मेरा खत्म खत्म, कितना गहरा देखिए। तो यहाँ पे मैंने किसी का घर में भी वो ट्यूबवेल नहीं देखा, दमकल नहीं देखा। यहाँ पे एक कुआं ही, कुआं से पानी उठाता है और कुआं का ही पानी शायद खाता होगा। तो अभी यहाँ पे फिल्टर हो रहा है देखिए। सो हम यहाँ से जा रहा हूँ अभी, हम इतना भी टेस्ट नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। और घर में हमारा कुछ काम है। तो दादी लोग क्या बात कर रहे हैं रोड पे आके, राइट से हमको फिर से लेफ्ट जाना पड़ेगा। अरे भाई ओ भाई ये देखो, वो भी मतलब एक गड्ढा में नहीं गया और हम भी नहीं गया और दोनों मिल करके आ गया, ऐसा थोड़ा सा मिलजुल होना चाहिए। हम तो 20 में गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो पीछे वाला भाई बोल रहे कि 20 में जाओ, हम 20 में थोड़ी ना चलाएंगे गाड़ी। अरे कुत्ता भाई कुछ काम है क्या, काम करो घर जाओ नहीं तो मरेगा साला। अरे भाई उसको मुझसे भी जल्दी है, मुझे तो घर में काम है ना इसलिए जल्दी भगा रहा हूँ गाड़ी को। अभी इसको कौन सा काम को मिल गया है, मतलब पड़ गया है। वो पूरा शान पूरा ये मुंह में लग रहा है, अभी आंखें अभी पूरा जल रहा है। ओह वाह
सो ये मेरा फादर है, देखिए काऊ को लेके जा रहे हैं। सो अभी मैं आ गया हूँ अपना घर, यही है मेरा घर छोटा सा।